गुरुर पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच वार्तालाप से इसमें मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कोई भी व्यक्ति नहीं झुठला सकता। जिस भी व्यक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया उसकी मृत्यु भी तय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरुर पुराण में मृत्यु को लेकर क्या कहा गया है। गुरुर पुराण में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं जो इस प्रकार हैं, दोनों आँखें, दोनों कान, मुख, नाक और उत्सर्जन अंग, जिसमें से किसी एक द्वार से मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। साथ ही गुरुर पुराण में यह भी बताया गया है कि अलग अलग स्थितियों में प्राण अलग अलग द्वार से निकलते हैं। ये जीवात्मा जो होता है यह अविनाशी है, यह स्वयं संचालित है और ये शरीर जो है हमें एक आवास के रूप में मिला हुआ है। जो ये शरीर है इसमें आने का भी कारण एक अलग है, जिसे आप लगभग उसे कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो गर्भ में होता है, लेकिन जो जाने वाला है वो सबकी दृष्टिगोचर होता है। कई ऐसे प्रमाण हैं शास्त्रों में, अग्नि पुराण में, स्पंद पुराण में और अन्य अन्य श्रीमद् भागवत में भी आया है, अन्य अन्य वैष्णव पुराणों में और शैव पुराणों में, ब्रह्म पुराणों में, सभी के 6 पुराण हैं, सतोगुणी, 6 रजोगुणी, 6 तमोगुणी, तो उनमें कई जगह दृष्टांत आए हैं, कई प्रकार के दृष्टांत आए हैं। तो जो ये गमन है बहिर्गमन प्राण का, शरीर का छोड़ना और अन्य यात्रा में जाने के लिए, तो जो ऊर्ध्वगामी 9 छिद्र बताए गए हैं और एक दशमा छिद्र है जिसमें छिद्र दिखाई नहीं देता लेकिन प्राण निकलते हैं। तो जो अधोगामी है, नारकीय प्राणी होते, उनके अधो भाग से मल मूत्र के स्थानों से प्राण का बहिर्गमन होता है, वो नारकीय प्राणी होते हैं। ऐसा गरुण पुराण के सारोद्धार प्रेत खंड में, जिसे हम 16 अध्याय में सुनते हैं, जीवन के अंत्येष्टि के बाद हमारी मान्यताएं हैं कि उसको सुनने के बाद हमारे पूर्वज सुकृत को प्राप्त होंगे, अन्यथा गरुण पुराण में 19,000 श्लोक है और ये उसी का एक खंड है, सारोद्धार का प्रेत खंड जिसमें 16 अध्याय हैं, उसमें 8 अध्याय से आगे जो कथानक आए हैं, जो उनके विश्लेषण आए हैं, उनके जो अवयव बताए गए हैं इस शरीर और प्राण के, उनमें यह बताया गया है कि जो ऊर्ध्वगामी प्राण होते हैं उनमें मैं वही लक्षण व्यक्त करूंगा, अध्यात्म के न दूंगा, जो वर्णित है। तो ऊर्ध्वगामी आंख से 2, नाक से 2, कान से 2 और मुख से 1-7, ये 7 जगह से जो प्राण निकलते हैं, जो भक्ति मार्ग, भगवत मार्ग, समाज की सेवा मार्ग या सनातन किसी का अपकार न करते हुए सतत एक मर्यादा में जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों का इस जगह से प्राण निकलता है और जो स्वयं में इस मानव शरीर को नाव मानकर परमात्मा यात्रा शिव से शिव तक की यात्रा करता है, उसके ब्रह्म तालु से, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, खट चक्र के ऊपर सहस्रार चक्र होता है जो मस्तिष्क में, जहां बच्चे के जन्म के समय वहां पर बहुत ही कोमल होता है सिर के ऊपर, वहां पर तेल माताएं भरकर उसे पुष्ट करती हैं, उसी को तालु कहते हैं। वहां से प्राण जिसके निकलते हैं वो योगी होते हैं, जो स्वयं से अपने 10 प्राणों को एकत्र करके चलायमान करते हैं, अपान से प्राण को, अपान प्राण और उदान व्यान समान को एकत्र करके प्राण को ऊर्ध्वगामी जब बनाते हैं, चढ़ाते हैं, वही प्राण तालु से निकलते हैं। ये शास्त्रीय मत है और इससे हम ये परिचित हो सकते हैं कि ये इसके चिन्ह है कि ये पुण्यात्मा है कि पापात्मा है। लोकल 18 सतना से विशाल पांडे की रिपोर्ट। यह वीडियो सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए है, इनसे संबंधित किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य दर्शकों तक महत सूचना पहुंचाना है। इसके अलावा इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी। लोकल 18 इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है।